जी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं। 3 कटोरी हमने राइस फ्लोर लिया है और 3 कटोरी पानी लिया है। सबसे पहले हम 3 कटोरी पानी लेंगे, क्योंकि हमने 3 कटोरी यहाँ पे राइस फ्लोर लिया है। पानी को बॉईल होने देते हैं। पानी हमारा बॉईल हो गया है, इसमें डालते हैं बटर। स्वादानुसार नमक, जीरा, काले तिल, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता मिक्स कर लो। अब इसमें डालते हैं राइस फ्लोर, चावल का आटा, और मराठी में बोलते हैं तांदूळाचं पीठ। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें रखते हैं ढक्कन। अभी हम इसे 5 मिनट रखेंगे। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। हमारी उकड़ 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें। इस उकड़ को ऐसे मल लो। इस तरह से थोड़ा सा पानी हाथ में ले लीजिए। ये परफेक्ट है पानी का और इसका माप। इस तरह से ये इतना हो जाता है। ये परफेक्ट है हमारा पानी का और इसका माप। अब इस सांचे में हम तेल लगा लेते हैं, ताकि ये अंदर से चिपके ना। और इसे ये डाल देते हैं। घर की प्लेट लेके प्लेट पर इस तरह डाल दीजिए। आप बटर पेपर पर भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लेट उठाने में फटाफट हो जाता है। एक एक करके आराम से डाल। देखो ये अच्छे से कड़क हो गई है। अभी हम इसे टर्न करेंगे। इस तरह से ये निकाल दो। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया से ये हो जाती है। कड़ी पत्ता और मिर्ची से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आ जाती है। बहुत बहुत ही बढ़िया चकले बन के तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।